हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 का कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बचे हुए 3 क्वेश्चन वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, सो डैट उनको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए, आज के जो रह गए क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, बट एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में जाकर सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग का जो लास्ट के 3 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, राजू सोल्ड अ बाइसाइकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट, देन अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54, देन ही सोल्ड द बाइसाइकल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकल फॉर विच द राजू परचेस्ड। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा सा दे रखा है। राजू नाम का व्यक्ति ने क्या किया, अमित नाम के व्यक्ति को साइकिल बेच दिया और वो भी 8% प्रॉफिट में बेचा। राजू नाम के व्यक्ति ने अमित नाम के व्यक्ति को अपनी साइकिल बेच दी। ओके, कितने परसेंट प्रॉफिट लिया अमित से, उसने 8% का प्रॉफिट लिया। ओके, अब राजू ने कितने में साइकिल खरीदा था हमें वो नहीं दे रखा है। ओके, मान लो अगर राजू ने जो साइकिल लिया था उसका कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल ₹100 का रहा होगा, तो उसने अमित को 8% प्रॉफिट पे बेचा है। अमित को उसने 8% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब अमित से राजू ने टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट किया रहेगा, 100 और प्लस 8, क्योंकि ₹100 पे 8% कितना होना चाहिए, ₹8 होना चाहिए, मतलब टोटल अमित से उसने 108 रुपीस लिया होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। देखिए, राजू ने अमित को 8% प्रॉफिट पे बाइसाइकल सोल्ड कर दिया, सो राजू ने अमित से डेट मीन्स कितना रुपीस कलेक्ट किया होगा, 108 रुपीस, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर राजू ने कॉस्ट प्राइस रखा होगा बाइसाइकल का 100 रुपीस, ओके, मतलब जब उसने खरीदा था 100 रुपीस में खरीदा था, अब उसको 8% प्रॉफिट में बेच रहा है वो, मतलब अमित से 8% प्रॉफिट ले रहा है राजू। ओके, तो राजू टोटल प्राइस कितना कलेक्ट कर रहा है अमित से, 108 रुपीस, क्योंकि ₹100 पे 8% कितना होगा, 8 रुपीज होना चाहिए, दैट मीन्स वो 108 रुपीज किससे, राजू से ले रहा है, सॉरी अमित से ले रहा है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित ने क्या किया, उसको रिपेयर किया बाय स्पेंडिंग ₹54, अमित ने उसमें और ₹54 का खर्चा किया। ओके, और उसने क्या किया, निखिल को बेच दिया कितने अमाउंट पे, ₹1134 पे विथ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब अमित ने जितना खर्चा किया, जितने में खरीदा उस पर कुछ खर्चा किया और उसने सीधा उठा करके निखिल को बेच दिया, मतलब उसमें उसने कोई तरह का प्रॉफिट नहीं लिया, कोई तरह का लॉस भी नहीं लिया, मतलब जितना अमाउंट उसने मतलब खरीदने में लगाया, रिपेयर करने में लगाया, वो उतने ही अमाउंट में क्या किया उसने, सीधा उठा करके निखिल को बेच दिया। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो हमें आगे बोला गया है कि ये बता दो कि जो कॉस्ट प्राइस है बाइसाइकिल का, ओके, जब राजू ने परचेज किया था तो क्या रहा होगा, हम ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था ₹100। अब हमें थोड़ी ना पता है कि राजू ने कितने में साइकिल खरीदा था, हमें नहीं पता है। ओके, तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करेंगे, हमें नहीं पता होता है जब अननोन वैल्यू है, तो इस टाइम पे हम लोग क्या कंसिडर करना चाहिए, मान लीजिए राजू ने जो साइकिल खरीदा था उसका कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, ₹X का। ओके, सो हम लोग यहां पर लिखेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकल फॉर विच राजू परचेस्ड, राजू ने जो परचेस किया था उसका कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, आप कितना लोगे, ₹X लोगे। हमें नहीं पता था, हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकल फॉर विच द राजू परचेस, कितने रुपीस में परचेस कर रहे हैं भाई, ₹X में। ओके, अब राजू ने क्या किया, बाइसाइकल को अमित को बेच दिया कितने परसेंट प्रॉफिट पे,
8% प्रॉफिट पे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस राजू सोल्ड बाइसाइकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। उसने क्या किया, अमित को बेच दिया, कितना परसेंट, 8% प्रॉफिट में। ओके, सो हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकल। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकल कितने में रहेगा, देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकल। बाइसाइकल का सेलिंग प्राइस कितने में रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकल टू अमित, कितने में सेल किया उसने अमित को। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो राजू ने कितने का खरीदा था, एक्स रुपीज में बाइसाइकल खरीदा था, उस पर उसने 8% का प्रॉफिट भी लिया है। ओके, तो वो बेचेगा एक्स रुपीज तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसने जितने का खरीदा था उतना तो मिलने वाला है और उससे अधिक 8% भी मिलने वाला है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स रुपीज प्लस 8% निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक्स रुपीज का ही, एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स निकालेंगे। देखो बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा रहा हूं, ये जो है सेलिंग प्राइस है बाइसाइकल का। ओके, अमित के लिए, अमित को उसने कितने रुपीज में बेचा, राजू ने, कैसे निकालोगे, देखो राजू ने कितने का साइकिल खरीदा था, एक्स रुपीज में खरीदा था। अब अमित को जब वो बेचा तो उसको 8% प्रॉफिट भी मिला है उसमें, तो 8% प्रॉफिट मिला है तो टोटल कितना उसने अमित से कितना अमाउंट लिया रहेगा राजू ने। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया अमित के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक्स रुपीज तो लेगा ही लेगा भाई, एक्स रुपीज में खरीदा था, एक्स रुपीज तो उसको मिल रही है, ऊपर से उसको 8% प्रॉफिट भी मिल रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 8% किसका निकालेंगे, एक्स रुपीज का। ओके, 8% उसको प्रॉफिट किस पे मिल रहा है भाई, उसके जो अमाउंट था, जो जिस अमाउंट पे उसने बाइसाइकिल को खरीदा था वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। ओके, तो एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, राजू ने बाइसाइकिल कितने का खरीदा था, एक्स रुपीज में खरीदा था, अब उसने अमित को कितने परसेंट पे बेच दिया, 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ये बता दो सेलिंग प्राइस क्या होगा अमित के लिए, अमित के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, एक्स तो लेंगे प्लस, ओके, 8% ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि अमित, राजू जो है अमित से 8% प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो हम लोग x प्लस 8% ऑफ x लिखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, देखो x प्लस 8% ऑफ x निकालना है तो आप लोग 8/100 मल्टीप्लाई बाय x कर दो। ओके, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो 8 और 100 ये दोनों जो है ना 4 के टेबल में डिवाइड होगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, ये कितना आ जाएगा यहां पर 4 के टेबल में अगर डिवाइड किया तो 4 2 8 और 4 25, तो यहां पर आ जाएगा 2x/25 आ जाएगा। ओके, 2x/25, x प्लस 2x/25, ये आप लोग बोल सकते हो, ये किसके लिए हुआ, ये अमित के लिए हुआ। ओके, अगर इसको आप और भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट फिलहाल कोई जरूरत नहीं, हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं। ओके, सो ये जो है सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकल टू अमित, ये अमित को इतना प्राइस में बाइसाइकल मिल गया। ओके, x प्लस 2x/25 रुपीज में पड़ा अमित को। नेक्स्ट, अमित ने क्या किया, अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग 54। ओके, अमित ने क्या किया, उसने रिपेयर किया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस अमित रिपेयर किया। ओके, स्पेंडिंग रुपीज 54 एंड ही सोल्ड इट टू निखिल, उसने क्या किया, फिर उसने निखिल को बेच दिया। ओके, फॉर रुपीज 1134 उसने क्या किया, निखिल को बेच दिया। ओके, सो विथ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो हम लोग ये भी लिख देंगे विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, क्या लिख रहे हैं आप लोग, सिंस अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग रुपीज 54 एंड ही सोल्ड इट टू द निखिल फॉर रुपीज 1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन किस तरह से जनरेट करेंगे, ये अमित को प्राइस पड़ा है, ये अमित ने टोटल प्राइस दिया है किसको, राजू को। अब अमित ने क्या किया, इसमें और खर्चा किया 54 रुपीज का और खर्चा किया, और उसने सीधा क्या किया,
निखिल को बेच दिया और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, क्या कहता है भाई कंडीशन, सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, अमित ने कितने में खरीदा था राजू से, x प्लस 2x अपॉन 25 रुपीज में अमित ने बाइसाइकिल खरीदा, तो हम लोग ये लिख देते हैं x प्लस 2x अपॉन 25। अब उसने क्या किया अमित ने, 54 रुपीज और खर्चा किया रिपेयर करने में साइकिल को। ओके, और उसने क्या किया फिर उसके बाद सीधा निखिल को बेच दिया, कितने रुपीज में बेच रहे हैं, 1134 रुपीज में। देखिए ये सिंपल सा है, आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कांस्टेंट टर्म है 54 को ना ये 1134 के पास में ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर लो, सो एक्स प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1134 में से माइनस 54 कर दो। ओके, 1134 में से क्या कर दो, माइनस 54 निकालो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, 1134 माइनस 54 कितना होगा देखो जरा, यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। ओके, सीधा यहाँ पे 13 में से 5 कर लो तो कितना बचना चाहिए यहाँ पे, 8 बच जाएगा, और ये जो है आपका पूरा का पूरा इसको 10 कर लो तो ये बच जाएगा आपका कितना हो जा रहा है, 1080 हो रहा है। ओके, सिंपल। ओके, 1080, सो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो x प्लस 2x अपॉन 25 में लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू मैं 1080 लिख रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में 25 इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में क्या 25, हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को भी हम लोग हटा देते हैं। ओके, डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीन टर्म बच रहा है 1, 2 और 3 तीनों टर्म को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या आएगा, 25 से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय 25, हम लोग क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर को निकाल रहे हैं, इसलिए मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x अपॉन 25 फिर से मल्टीप्लाई बाय 25 और इज इक्वल्स टू 1080, इसको रफ कर देता हूँ, 1080 मल्टीप्लाई बाय अगेन 25। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आता होगा, सभी टर्म को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया। देखो अब ये 25 और ये 25 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या हो गया डिनोमिनेटर हट गया, यहाँ पे क्या आ गया 25x आ गया, 25x आ गया, फिर यहाँ पे क्या बचा प्लस 2x बच रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है 1080 मल्टीप्लाई बाय 25 बच रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 25 और ये 2x दोनों को ऐड कर लो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 27x और इज इक्वल्स टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 25, इसको एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आगे चल के ना हम लोग क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, मतलब अभी ये देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सीधा 27 को ले जाकर यहाँ पे डिवाइड कर दो। ओके, सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिलेगा 1080 मल्टीप्लाई बाय 25 और अपॉन में सीधा डिवाइड कर दो 27। ओके, 27 के टेबल में 108 आ जाएगा। ओके, 27 × 4 करोगे तो देखो 27 × 4 करोगे तो 4 × 28 यहाँ पे 2 × 4 = 8 9 10 108 आ गया ना, तो 27 × 1 = 27 और ये 0 बचा है तो ये 0 ले लो। ओके, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, x इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मिल रहा है, सो x इक्वल्स टू 40 × 25 करोगे 25 × 4 = कितना आता है बच्चों 100 आएगा और ये एक एक्स्ट्रा 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 100 रुपीस आ रहा है, ये 100 रुपीस आपको मिल गया, इसका मतलब आपने फाइंड आउट क्या कर लिया भाई, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया बाईसाइकिल का, क्योंकि आपने कंसिडर किया था क्या किया था जो बाईसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है, ओके वो एक्स रुपीज है, क्योंकि हमें एक्स हमें राजू ने कितने रुपीज में बाइसाइकिल खरीदा था वही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ओके, और हमने कंसिडर क्या किया था, राजू ने एक्स रुपीज में बाइसाइकिल खरीदा था, तो अभी आपको एक्स रुपीज एक्स का जो है वैल्यू मिल गया, इसका मतलब आपको राजू ने कितने रुपीज का बाइसाइकिल परचेस किया था वो आपको मिल गया। ओके, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड is कितने रुपीस का, is रुपीस 1000। ओके, सो ये रहा आपका फाइनल आंसर बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग अभी अभी नए नए हो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ओके, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझा तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब वीडियो दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा, आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों
और फिर अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 देख। चलिए फिर बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन इन द सेकंड मैच। ओके, फर्स्ट मैच में उसने कितना स्कोर किया भाई? 180 रन्स। ओके, 180 रन स्कोर किया और सेकंड मैच में स्कोर किया गया 257 रन्स। आगे हमें क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द थ्री मैच भी 230। देखो क्या बोला गया, आप थर्ड मैच में ये बता दो कितना रन वो स्कोर करना चाहिए। हमें नहीं पता तो हम लोग क्या ले लेंगे? एक्स रन। थर्ड मैच में कितना रन स्कोर करना चाहिए जिससे मैं एवरेज अगर निकालो, तीनों मैच का अगर एवरेज निकालो, देखो तीनों मैच का अगर एवरेज निकालू तो कैसे निकालना पड़ेगा? 180 प्लस 257, ये फर्स्ट मैच का, ये सेकंड मैच का और थर्ड मैच का अगर एवरेज निकालना है, तीन मैच का तो डिवाइड बाय थ्री करना पड़ेगा। अगर तीनों मैच का एवरेज निकालू तो मुझे उसका वैल्यू आता है 230 रन। ओके, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्रिकेट प्लेयर ने 180 रन फर्स्ट मैच में स्कोर किया, सेकंड मैच में 257 रन स्कोर किया। अब बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। ओके, थर्ड मैच में कितना रन स्कोर करना चाहिए जिससे कि जब मैं एवरेज निकालू तीनों मैच का रन का, ओके, तो वो आना चाहिए 230 रन। अगर मैं एवरेज निकालू तीनों मैच में जितना भी रन स्कोर किया तो वो आंसर आना चाहिए 230 रन। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं भाई? थर्ड मैच में वो कितना रन स्कोर कर रहा है? एक्स रन स्कोर कर रहा है। ओके, लेट द नंबर ऑफ रन क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन द थर्ड मैच बी एक्स रन। हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में यहां से? लेट द नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड टू स्कोर बाय क्रिकेट प्लेयर रिक्वायर्ड टू स्कोर बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन थर्ड मैच बी एक्स। क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? थर्ड मैच में लेट द नंबर ऑफ रन रिक्वायर्ड टू स्कोर बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन थर्ड मैच बी एक्स रन। ओके, सो तीसरे मैच में हम लोग क्या मान रहे हैं कि भाई वो एक्स रन स्कोर करना चाहिए। ओके, अब कंडीशन इस तरह से दिया गया है कि अगर मैं तीनों मैच में जितना भी रन स्कोर किया अगर मैं उसका एवरेज निकालू तो उसका एवरेज कितना आना चाहिए? 230 आना चाहिए। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या है बच्चों कंडीशन? कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैच में 180 रन स्कोर कर रहा है, सेकेंड मैच में 257 रन स्कोर कर रहा है और थर्ड मैच में एक्स रन स्कोर कर रहा है। और ये तीनों मैच का अगर मैं एवरेज निकालू तो एवरेज निकाल रहा हूं तो डिवाइड बाय थ्री करना पड़ेगा। सो कितना आएगा? 230 आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये 3 को 230 से मल्टीप्लाई करो। सो 180 प्लस 257 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 230 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ये 3 को हमने 230 के पास लेके चले गए। सो अभी इसको ऐड कर लो जरा बच्चों, कितना आएगा? देखो यहाँ पे 7 प्लस 0 7 आएगा, 8 प्लस 5 क्या आएगा? 13 आएगा। यहाँ पे 1 कैरी 2 3 और ये 4, ये दोनों को अगर ऐड किया तो, ओके, 180 और 257 को ऐड किया तो 437 आ रहा है। और ये प्लस x इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 0 जा 0 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 3 2 जा 6 690 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? x को उठा, सॉरी x नहीं, ये 437 को उठा करके 690 के पास में लेके चले जाओ। देयरफॉर हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 690 माइनस 437। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो जरा, 690 में से 437 को निकाल लो। ओके, ये 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 3 बचेगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, सो x का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर? देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हमें? 253। ओके, 253 क्या है? रन से। ओके, सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ देयरफॉर द नंबर ऑफ रन्स required to score by a cricket player in a third match
कितना आएगा 253 रन्स। ओके कितना होना चाहिए 253 रन्स होना चाहिए 253 रन्स। ओके सो काफी इजी था ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके सो फटाफट आप लोग इसका एक नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो बचा हुआ एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 10 में, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। देखो सुधीर क्या बोला गया है, सुधीर का जो प्रेजेंट एज है ना, अगर वीरू का एज को मैं 3 टाइम्स करूंगा तो उससे भी 5 ईयर ज्यादा रहेगा। बहुत ही सिंपल है, ओके बहुत ही सिंपल है। मान लो अगर वीरू का एज 10 साल है एक एग्जांपल के लिए, तो सुधीर का एज कितना होना चाहिए, सुधीर का एज कितना होना चाहिए, वीरू का एज का 3 टाइम्स करना और उससे भी 5 साल और बढ़ाकर सुधीर का एज मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। ओके अगर वीरू का एज मान लो एक एग्जांपल के लिए हमने 10 साल कंसीडर किया, तो सुधीर का एज कितना होना चाहिए भाई, वीरू का एज से 3 टाइम ज्यादा, मतलब 3 टाइम ज्यादा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो और उसमें और 5 साल बढ़ा दो, मतलब क्या हो जाएगा 30+5 35 ईयर्स का हो जाएगा। ओके सुधीर का एज बहुत ही सिंपल है, बट क्या हमें वीरू का एज पता है क्या बच्चों, नहीं पता है हमें वीरू का एज नहीं पता है। सो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए फिर ऐसे समय पर, एक्स कंसिडर करना चाहिए। ओके वीरू का एज ही, क्योंकि हमें लास्ट में फाइनल में भी हमें वीरू का एज फाइंड आउट करने बोला है। सो ये था फर्स्ट कंडीशन आपका। ओके ये आपका जो यहां से लेके यहां तक आपका फर्स्ट कंडीशन दे रखा है। आगे बोला गया इसमें और एक किरदार है अनिल, अनिल जो है हाफ एज किसका, सुधीर का एज से। ओके और आगे का कंडीशन में आपको रीड करके बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी हम लोग का सबसे पहला मेन फोकस होगा वीरू का एज। ओके वीरू का एज फाइंड आउट करना है, सो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, वीरू का एज एक्स। अगर वीरू का एज आप लोग एक्स कंसिडर करोगे तो सुधीर का एज भी आपको मिलेगा और अनिल का एज भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके तो हमें तो वीरू का एज नहीं पता है, तो हम लोग कंसिडर क्या कर लेंगे, वीरू का एज को एक्स ईयर। ओके सो हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द वीरू एज, वीरू एज बी एक्स ईयर। हम लोग वीरू का एज को कितना है मान के चल रहे एक्स ईयर। ओके सो वीरू का एज को एक्स ईयर लिया है, अगर वीरू का एज को एक्स ईयर लिया है सो देयरफॉर सुधीर का एज कितना होना चाहिए बच्चों, देयरफॉर सुधीर प्रेजेंट एज विल बी, ओके सुधीर का प्रेजेंट एज कितना होना चाहिए, क्या बोला गया 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, मतलब अगर वीरू का एज को मैं 3 टाइम्स करूंगा उससे भी 5 साल बड़ा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 3x+5। ओके नहीं समझा आपको, देखो वीरू का एज को एक्स ईयर लिया गया है तो सुधीर का एज के लिए क्या बोला गया 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, मतलब वीरू का एज को अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो उससे और 5 साल ज्यादा। ओके वीरू का एज को अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो उससे और 5 साल ज्यादा, मतलब 3x+5 आ जाएगा, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 3x+5 इयर्स। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सुधीर का एज है। अब बोला गया है कि अनिल का जो एज है इसमें हाफ है किसका एज से, सुधीर का एज से, तो क्या आएगा अनिल का एज क्या आ जाएगा 3x+5/2 आ जाएगा, क्योंकि सुधीर का जो भी एज है ना उससे आधा एज है अनिल का। सो यहां पर मैं लिखूंगा ऑल्सो अनिल प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज कितना है आधा है सुधीर का एज से, तो अनिल का प्रेजेंट एज हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे 3x+5/2 ईयर्स। ओके आई होप आपको ये समझ गया होगा, ये सुधीर का एज है, ये अनिल का एज है और वीरू का एज को हमने एक्स लिया। देखो वीरू का एज कंसिडर करने से आपको सुधीर का भी एज आप कंसिडर कर पाए और अनिल का एज भी आप कंसिडर कर पाए। ओके आगे आगे क्या दे रखा है, आगे मेन फोकस हम लोग यहां पे करेंगे आगे। इफ द रेशियो ऑफ, देखो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, इफ द रेशियो ऑफ किसका रेशियो बोला गया है, इफ द रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो बोला है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज मतलब सम करो सुधीर एंड वीरू एज। ओके सुधीर एज और वीरू एज अगर मैं रेशियो निकालू, रेशियो निकाल रहा हूं किसका, सम करके सुधीर और वीरू एज, टू का मतलब अपॉन, टू का मतलब अपॉन है बच्चों, टू 3 टाइम्स अनिल एज, 3 टाइम्स अनिल एज मतलब 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन,
अनिल एज कितना है यहाँ पर 3x plus 5 upon 2, ओके? फिर से समझा रहा हूं, अगर रेशियो निकाल रहा हूं, ओके, रेशियो निकाल रहा हूं, किसका रेशियो निकाल रहा हूं, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज 2 का मतलब बच्चों अपॉन 2 3 टाइम्स अनिल एज, अनिल एज, अनिल एज कितना है भाई 3x plus 5 upon 2, यहाँ पे चाहिए तो मैं अनिल लिख देता हूं, बाद में आपको यहाँ पे अनिल एज लिखूंगा, तो 3 टाइम्स अनिल एज इज का मतलब इज इक्वल्स टू 5:6, 5:6 का मतलब 5:6, फिर से समझा रहा हूं, इफ द रेशियो क्या बोला गया, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज 2 का मतलब क्या आएगा अपॉन 3 टाइम्स अनिल एज इज 5:6, फाइंड द एज ऑफ वीरू, बहुत ही सिंपल वे में दिया है, सो यही आपका मेन कंडीशन है, इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में कंप्लीट आपको लिखना है, तो हम लोग यहां पर सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके, सो ये मैं लिख लेता हूं चाहिए तो यहां पर, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके, कंडीशन में क्या बोला गया है, रेशियो, किसका रेशियो बोला गया है, सुधीर एज सम करो, सुधीर एज ओके प्लस वीरू एज, सम ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज, ओके, टू द का मतलब बच्चों अपॉन होता है, टू द 3 टाइम्स द अनिल एज इज मतलब इज इक्वल्स टू, इज कितना आएगा 5:6 बोला गया, ओके, अब यहां पर आपने देखो वीरू का एज भी कंसिडर किया, सुधीर का एज भी आपको पता है, अनिल का एज भी आपको पता है, ओके, तो यहां पर आप कंडीशन बनाओ, देयरफॉर सुधीर का एज लिखो यहाँ पे बच्चों, कितना लिखोगे सुधीर का एज, देखो सुधीर का एज कितना है यहाँ पर 3x plus 5, ये आपका सुधीर का एज है, तो यहाँ पर 3x plus 5 पुट कर दो, फिर प्लस यहाँ पे प्लस पुट करो वीरू का एज, वीरू का एज कितना लिया भाई आपने x कंसिडर किया है, ओके, और अपॉन पुट करो यहाँ पे 3 टाइम्स अनिल एज, मतलब 3 टाइम्स का होता मल्टीप्लीकेशन, अब अनिल एज कितना है देखो 3x plus 5 upon 2 है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 3x plus 5 upon 2, ओके, और इज इक्वल्स टू रेशियो कितना है 5:6, सिंपली क्या करो ये जो न्यूमरेटर में 3x और ये x है ना, इसको आप लोग क्या करो, इसको आप लोग ऐड कर लो, 3x plus x करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 5 बचेगा, ओके, और एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है इसको आप अपसाइड ले लो, ये जो 2 है डिवाइड में ये अपसाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहां पर मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 4 है ब्रैकेट और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ओके, फिर से समझा रहा हूँ, ये जो 2 है ना मैं ऊपर लेके लिख रहा हूँ, ये जो 2 है ऊपर लेके लिख रहा हूँ, ये 3x plus x हुआ 4x, ये प्लस 5 बचा यहाँ पर, ओके, और ये जो 2 है मैंने क्या किया इसको अपसाइड ले लिया, अपसाइड ले लिया तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर अपॉन में क्या बच रहा है देखो 3 टाइम्स ऑफ 3x plus 5 बच रहा है, ये जो 2 था ये अपसाइड चला गया बच्चों, और इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5/6 आ रहा है, ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इसको मैं रफ कर देता हूं, तो यहां पर क्या लिखोगे अभी देखो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहीं पे कर लेता हूं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8x आया, और प्लस 2 का 5 में मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया 10 आ गया, अपॉन में 3 का मल्टीप्लीकेशन 3x plus 5 में कर लो, 3 × 3x किया तो 9x आ गया, और 3 × 5 किया तो क्या आ गया प्लस 15 आ गया, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5/6, ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब क्या करना है सिंपली बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये जो 9x plus 5 है 15 है ना ये आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो 6 है वो 8x plus 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 6 × 6 को हम लोग 8x plus 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8x plus 10, और इज इक्वल्स टू 9x plus 15 का 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग लिखेंगे 5 × 9x plus 15, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, सो 6 × 8x plus 10 लिख रहा हूँ, और इज इक्वल्स टू ये 6 का मल्टीप्लाई 8x plus 10 में हो रहा है, और 9x plus 15 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ हो रहा है, तो 5 × 9x plus 15, ओके, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा अभी, सो मल्टीप्लीकेशन कर लो जरा 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 8 जा कितना आ रहा है
48 आ रहा है, 48 और x साथ में करके यहाँ पे x लिख दिया, 6 टेंजा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लीकेशन 9 में कर लो, 5 नंजा 45 आ जाएगा, 45x, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए, 75, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, वेरिएबल टर्म को एक तरफ ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले लो, तो वेरिएबल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 48x माइनस 45x इज इक्वल्स टू, राइट साइड में ये 60 को भेज दो राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 75 माइनस 60 हो जाएगा, ओके। 48 में से 45 अगर गया तो देयरफॉर हम लोग कितना बोलेंगे भाई, 3x बचेगा, 3x बचेगा कि नहीं यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू 75 में से 60 है तो कोई भी बता देगा 15 आएगा, तो अगर 3x इक्वल्स टू 15 है तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, 15 अपॉन 3 आएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके। आपको x का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया भाई, आपने वीरू का एज निकाल लिया है, ओके। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर वीरूज प्रेजेंट एज इज, वीरूज प्रेजेंट एज इज कितना साल है बच्चों, 5 years, ओके। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कंडीशन आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ओके। बाकी ये सब में कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है सब, ओके। अगर आप इसको हार्ड बनाओगे तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, आपको यहाँ पर बस सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए हार्ड बन जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ओके। तो आप कब परफेक्ट होंगे, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये सम और जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आई होप आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ओके। सो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल वो भी मैं अगले दिन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, अभी तो आज का ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या डाउट है, कौन से टाइप के क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये डाउट आपका जल्द से जल्द मैं क्लियर करके दे पाऊं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं और पूरा एंड तक आपने हमारे वीडियो को देखा है तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इससे क्या होगा कि आपके लिए फायदा क्या होगा, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, हमें एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय एंड सी यू अगेन।